हेलो एवरीवन, माय नेम है चल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो आज अपना चैप्टर चल रहा है लाइट, और लाइट में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है मिरर। तो मिरर के बारे में थोड़ी सी बात अपने पहले भी की थी, पर आज जो है मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे, इसका इमेज फॉर्मेशन वगैरह कैसे क्या होता है ना, और कौन कौन से टाइप के मिरर होते हैं, उन सबकी बात आज इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं। तो मिरर क्या होता है? तो मिरर की डेफिनेशन सिंपल सी है, इट इज द हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस जो क्या करती है, विच इज capable of reflecting a good amount of light from its surface, ठीक है, is called mirror. Mirror क्या है? एक highly polished smooth surface है जिसपे अगर कोई light fall करती है तो वो क्या करता है, mostly कोशिश करता है कि 100% जो है light को reflect कर दे, है ना। तो कोशिश क्या करता है ये कि एक अच्छे amount को, है ना, अगर 100% नहीं होता तो एक अच्छे amount जो है गुड अमाउंट ऑफ लाइट को जो है रिफ्लेक्ट करता है, मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्शन करता है आपका मिरर। ये सिंपल सी बात कर सकते हैं, ठीक है। मिरर वैसे तो अपन रोज देखते ही हैं, है ना। तो मिरर के कुछ टाइप होते हैं। अब अपन जो अलमीरा में मिरर देखते हैं वो कौन सा होता है, या फिर और कौन से टाइप से मिरर होते हैं, तो नेक्स्ट जो अपन लिखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर जो है उसके दो टाइप है, एक होता आपका प्लेन मिरर और एक होता आपका स्फेरिकल मिरर। ये होता है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर जो है आपके मिरर के दो टाइप है। प्लेन मिरर तो सिंपल जो आपके घर में जो अलमारी है ना, अलमीरा में लगा होता है वो आपका होता है, जिससे आप रोज आप तैयार होके आते हो, है ना, देख के आते हो उसको। स्फेरिकल जो मिरर होते हैं वो आगे और दो टाइप के होते हैं, मीन्स एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आगे दो टाइप के और होते हैं। अब कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होते हैं, इसके आगे अपन बात करेंगे, पर आज जो टॉपिक है आज अपना प्लेन मिरर की स्टडी है, ठीक है ना। ये आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें अपन इसको कवर करेंगे, कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को। आज जो है सारी बातें प्लेन मिरर से रिलेटेड होने वाली है, कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसकी, वो सारी बात जो है इसे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बात करने वाले हैं, ठीक है। प्लेन मिरर की बात करते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, तो अब प्लेन मिरर की बात करने वाले हैं। तो प्लेन मिरर क्या होगा, जो कि जिसकी सरफेस प्लेन होगी और वो क्या करेगा, एक गुड अमाउंट ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है, ठीक है ना। तो उसका अब रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी इमेज बनेगी। भाई आप जो है रोज अपना, है ना, अपन फेस देख के आते हैं, है ना, बाल बना के आते हैं, तो अपन क्या, अपन को अपन की इमेज दिखती है वहां पे। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे होता है, तो फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं एक्सटेंडेड है तो उसकी भी बात करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पहले मैं एक यहाँ पे मिरर कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये कोई एक्स वाई जो है मेरा मिरर है। मिरर को यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो मिरर के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ डैशेस लाइन का यूज करेंगे। तो डैशेस लाइन जो है वो पॉलिश सरफेस है। आपने मिरर को देखा होगा, तो मिरर में एक जो है जिस तरफ से अपन मुंह देखते हैं वो तो हाईली स्मूथ सरफेस होती है। पीछे की तरफ आप देखो, पीछे की तरफ पॉलिश कर रखी होती है ना, पीछे की तरफ जो है पॉलिश है। तो ये डैशेस लाइन जो है मेरी पॉलिश को जो है शो कर रहा है, ठीक है, कि पॉलिश सरफेस। इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ, तो है ना। तो ये क्या है, ये मेरा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, जिसकी इमेज मुझे यहाँ पे बनानी है। मुझे बस ये देखना कि इमेज बनती कैसे है। तो मेनली इमेज बनाने के लिए अपन को दो रेज की रिक्वायर्ड होती है। दो रेज जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे अपनी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दो रेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट रे तो मैंने डाल दी इसके नॉर्मली, क्या डाल दिया, नॉर्मली इस पर इंसिडेंट करवा दी, है ना। तो अपन ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट केस की बात की थी, है ना। तो एक तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह फॉलो होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अब यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट वाला मामला है, कहाँ है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली इंसिडेंट मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल के अलॉन्ग, नॉर्मल क्या होता है, इस प्लेन सर्फेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल डालू मतलब यहाँ पे एंगल आई भी जीरो है और तो एंगल आर भी जीरो हो जाएगा आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। तो एंगल आई भी जीरो, तो एंगल आर भी जीरो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू जीरो हो रहा है इस केस के लिए, है ना। किसके लिए, फॉर, इसको बोल देते हैं ए। तो फॉर ओ ए के लिए, तो फॉर ओ ए के लिए क्या है, एंगल आई और एंगल आर जीरो हो रहा, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहे हैं। तो ये लाइट गई टकरा के वापस इसी पॉइंट पे आ गई, ओके। एक लाइट में भेजता हूँ ऊपर थोड़ी ऐसे,
आगे भेज दी, अब यहाँ पे ये टकरा ली तो ऑब्वियस ये तो वापस नहीं आएगी क्योंकि ये नॉर्मल कॉलोनी है, इसका इसका नॉर्मल तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इसका नॉर्मल है एन, इसको अपन बोलते हैं बी पॉइंट, ठीक है ना। अब ये जितना एंगल पाई उतना एंगल पे ये चली जाएगी, तो ये तो यहाँ पे ये एंगल आई और ये एंगल आर दोनों बराबर होंगे। अब हो क्या रहा है, अब ये रेस उधर गई, ये रे इधर गई, तो दोनों रेज डाइवर्जिंग रेज है, क्या हो गई, डाइवर्जिंग रेज है। और डाइवर्जिंग जो रेज होती है वो मीट करेगी नहीं, डाइवर्जिंग मतलब फैलना, और जो रेज फैल रही है वो कैसे मिलेगी, है ना, मिलने वाली तो होगी जो पास आने की कोशिश करेगी, तो पास आएगी तो मिल सकती है किसी पॉइंट पर डाइवर्जिंग रेज है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड कर देंगे अपन, तो इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे और इसको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये कुछ इस पॉइंट पर मिलेगा, तो यहाँ अपनी जो है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, है ना, जिसपे कहाँ होगा अपियर टू डाइवर्ज, है ना, अपियर डाइवर्जेंस क्या हुआ कि ऐसा लग रहा है कि ये जो डाइवर्जिंग रेज है वो कहां से आई है, वो आई पॉइंट से निकल रही है, यहां से निकल रही है, यहां से निकल रही है और आगे जाकर डाइवर्ज हो रही है, तो अपियर टू डाइवर्ज, है ना। तो जो वर्चुअल इमेज बनती है ना, वो क्या है, अपियर टू डाइवर्जिंग, है ना, डाइवर्जिंग की वजह से बनती है। तो ऐसा लगता है कि आपका आई पॉइंट से दो रेज निकल रही है और आगे जा रही है, ठीक है। अगर ये पीछे अपन मिलाते तो यहां मिलती, तो जहां पे मिलती वहीं इसकी इमेज बन जाएगी, तो आई पे आपकी इमेज बन जाएगी। ये सिंपल सी इमेज फॉर्मेशन है, एक रे ये, दो रे कहां मिल रही, और दोनों जहां पे मिल रही है वहां इसकी वर्चुअल इमेज बन गई। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब ऐसा मिरर के पीछे से कुछ एक्चुअल में आप जाओगे तो यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, अगर स्क्रीन लगा दोगे तो स्क्रीन पे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। लास्ट क्लास में अपन पढ़ाया था इमेज के बारे में, तो इमेज इमेज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो ही टाइप की इमेज होती है, तो ये वर्चुअल इमेज बनती है जिसको अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। चल सेकंड अपन टॉपिक वही है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, पर इस बार जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसे बन जाएगी, ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी कुछ हाइट हो, जिसकी कुछ हाइट हो, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं अपन सिंपल सा प्लेन मिरर, यहाँ पे कुछ एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ एरो वाला, जिसको हम बोलते हैं ए बी। तो ए बी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ए बी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि इससे कुछ डिस्टेंस पे है ना, इससे कुछ डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे ये है, इसकी मुझे यहाँ पे इमेज बनानी है, तो बना देंगे सिंपल, क्या एक रे तो सीधी भेज दो नॉर्मली, तो वही सेम चीज नॉर्मली अगर जाती है तो नॉर्मली वापस आ जाएगी, एंगल आई इक्वल टू जीरो देन एंगल आर इक्वल टू जीरो, तो ये नॉर्मल जाएगी, नॉर्मली वापस आ जाएगी, सेम ऐसे, है ना। और एक जो है मैं ऐसे भेज देता हूँ इस तरफ ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल बना दूंगा, तो ये ऐसे गई तो जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे वापस चली जाएगी ऐसे, तो एंगल आई और एंगल आर शुड बी इक्वल, है ना, इक्वली होंगे क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है ना। तो यहाँ से दो दो रेज इसके यहाँ आ गई, तो इसको अपन दोनों रेज को अपन पीछे एक्सटेंड करें, तो ये कुछ यहाँ पे जो है अपन का बी का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी डैश, तो बी पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। एक ही बनाए तो ए को जो है सीधे 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 डाल दो, ये ए अगर सीधी जाती है तो सीधी ही वापस आ जाएगी, क्योंकि सीधी मैंने डाली तो नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंट में वापस हुई टकरा के वापस आ जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी, अपने पाथ को बार बार रिट्रेस करेगी, ठीक है। और एक जो है मैंने ऊपर ऊपर की तरफ जो रह गई वो यहाँ पे बनाया नॉर्मल, नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे चली जाएगी, तो ये ऊपर की तरफ चली गई एंगल आई और एंगल आर को बराबर करते हुए, तो ये रे कुछ ऐसे आते हुए, है ना, ऐसे आते हुए इस पॉइंट पे मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अपना तो ये दोनों रेज जो यहाँ मिल रही थी, ये अपना ये वाला पॉइंट जो बन जाएगा ए डैश बन जाएगा। तो अगर मैंने सबसे ऊपर वाला पॉइंट ले लिया, सबसे निचला पॉइंट ले लिया, तो बीच के पॉइंट तो सारे आ ही गए, बीच के पॉइंट की इमेज भी वहीं बन जाएगी। मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अपन बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स मान के कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं बहुत सारे पॉइंट सोर्स है, सबकी इमेज बनाऊंगा तो ऐसे बन जाएगी, इसलिए अपन सबसे टॉप के पॉइंट को सबसे वाटर के पॉइंट की इमेज बना दी, बीच के तो सारे उसके अंदर ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज खास है कि प्लेन मिरर जो है उसमें जो इमेज बनती है वो आपकी एक तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बन रही है, यहाँ यहाँ का एरो ऊपर है तो वहां पे एरो ऊपर ही आ रहा है ना, इरेक्ट बनो सीधी बनती है, ठीक है, सेम डिस्टेंस बनती है ये, या ना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है ना, सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है ना, और लेटरली इन्वर्टेड होती है, ये अभी इसके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखने वाला हूं। तो ये अपना हो गया इमेज फॉर्मेशन किसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, किसका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। इसी के साथ मिरर और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ये अपना टॉपिक ये कवर होता है।
अब नेक्स्ट जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन लिखने वाले हैं, है ना, जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जो इमेज बनाएगी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है उसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टर लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इज वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेज होती है, कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, मतलब एक्चुअल में रेज यहाँ पे मीट नहीं होती है, मिरर के पीछे एक्चुअल में रेज मीट नहीं होती है, अपीयर टू डाइवर्ज है, ठीक है ना, इसलिए इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में जो डिफरेंस है इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देख के आया, तो अगर जिसने जिसको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का पता नहीं है वो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख के आए, ठीक है। सेकंड बोल सकते हैं कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, ऐसी होती है, इरेक्ट होती है, इरेक्ट का मतलब सीधी होती है ना। अगर आप अलमीरा में अगर अपना बॉडी को देखते हैं तो सर आपको ऊपर ही दिखेगा, पैर आपको नीचे ही दिखेंगे, मतलब जैसे आप हो वैसे ही उस तरफ दिखोगे, मतलब उल्टी नहीं हो जाएगी आपकी, पर रियल जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज ही आपकी इरेक्ट होती है। थर्ड बात करते हैं अपन द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर से बनने वाली जो इमेज है उसकी जो साइज होती है वो सेम होती है ऑब्जेक्ट की साइज के, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी, छोटे ही है ना, तो पॉइंट की पॉइंट ही बनेगी और एक्सटेंडेड की जितनी उसकी हाइट है उतनी ही बनेगी, जितना ये एच है सेम एच यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। फोर्थ द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा मिरर से सेम उतनी ही दूर आपकी इमेज बनेगी। अगर ये मान लो कि इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आगे खड़ा है तो मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे ही उसकी इमेज बनेगी। इसको मैं अगर 20 कर दूंगा, ये यहां से यहां चला गया, मिरर से ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस चला जाएगा तो आपकी इमेज भी पीछे चल जाएगी, तो मिरर से इमेज से जो डिस्टेंस होगी वो भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होगी। ये फोर्थ पॉइंट का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ में आप लिख सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज laterally laterally inverted laterally inverted, ठीक है, सिंपल सी बात है, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है।
तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज है ना। लास्ट पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेफ्टली इनवर्टेड का मतलब क्या होता है, सिंपल से इसका मतलब होता है कि वहाँ पे आपको लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है, सिंपल सी बात यही है ना। अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो आप अपना राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो इमेज में आपका लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाएगा, और अगर अपना लेफ्ट हैंड को अपन राइज करते हो तो आप इमेज में देखोगे तो वो अपना इमेज के अंदर आप अपना राइट हैंड ऊपर कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है और इसके सामने अगर आपने ये पी बना रखा है तो यहाँ पे पी आपको ऐसा दिखेगा। मतलब जो प्लेन मिरर क्या करता है, इमेज जो है वो उल्टी मतलब उसको लेटरली इन्वर्ट कर, उल्टी मैं ये नहीं बोल सकता कि पी का ये वाला नीचे आ जाएगा तो इन्वर्टेड नहीं बोल सकता, लेटरली इन्वर्टेड बोल सकता हूँ कि वो राइट का लेफ्ट कर देता है या फिर लेफ्ट का राइट कर देता है। ये चीज़ अपन को वहाँ पे देखने को मिलती है। ये सब आप घर पे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और या फिर रोज आप देखते हैं ये सब चीज़, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जो कि प्लेन मिरर से रिलेटेड हैं, उसको भी अपन जो है नोट डाउन कर लेते हैं ना, जो कि सिंपल से है बहुत। कुछ केसेस हैं जो प्लेन मिरर से रिलेटेड हैं कि अगर आपको अपनी फुल इमेज देखनी है, आपको अपनी फुल इमेज देखनी है प्लेन मिरर के अंदर, तो मैं ऐसा तो मैं अगर मैं पूरी दीवार जितना अगर मिरर ले लूंगा तो मैं पूरा दिखूंगा दिखूंगा। मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए मिरर की कि मैं अपने फुल इमेज को देख सकूं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखेंगे क्योंकि ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बस उनको पता होने चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है ना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल image of a person the minimum size of the mirror required to see the full image of a person is half of his own height। क्या मतलब इसका कि अगर आपको अपनी फुल इमेज मिरर में देखनी है तो मिरर कम से कम जो है आपकी हाइट का आधा होना चाहिए। क्या बोला इसमें, सिंपल सी बात बोली है कि अगर किसी भी पर्सन को अपनी फुल इमेज देखनी है किसी मिरर में तो उसको मिनिमम साइज जो है मिरर की कितनी चाहिए, उसकी हाइट की हाफ। अगर वो 2 मीटर का है या फिर 1 मीटर का है तो अगर 2 मीटर का तो 1 मीटर का मिरर चाहिए, 1 मीटर का तो है ना 0.5 मीटर का उसको चाहिए। मतलब जो भी इसकी हाइट होगी उसका हाफ जो है उसको मिरर कम से कम होगा तो अपना फुल इमेज वो देख सकता है, नहीं तो फिर आधा अधूरा दिखेगा, ठीक है। सेकंड, द ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ स्पीड वी टुवर्ड्स मिरर देन इमेज मूव्स विथ स्पीड 2v towards the mirror with respect to object। क्या बोला इसने, सिंपल सी बात बोली है कि अगर अपन ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ वी स्पीड से मूव कराते हैं तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मिरर की तरफ कितनी आएगी, 2v स्पीड से आएगी। कितनी स्पीड से आएगी, 2v स्पीड से आएगी, 2v स्पीड से मूव करते हैं, मतलब डबल स्पीड से। अगर ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो डबल स्पीड से आ रही है, ऑब्जर्वर को ऐसा क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को लगेगा कि मैं अगर वी स्पीड चल रहा हूं तो मेरी इमेज जो है 2v स्पीड से मेरी तरफ आ रही है। मेरी तरफ का मतलब हो गया क्योंकि उस मिरर की तरफ आ रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, The mirror moves with a speed v towards a stationary
towards a stationary object, then image moves with a speed 2v towards the mirror. क्या बोला कि इस बार मैं रेस्ट पे हूं, मतलब जो पर्सन है, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, अब जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की तरफ v स्पीड से बढ़ रहा है, तो इमेज जो है वो 2v स्पीड से आगे बढ़ेगी, 2v स्पीड से आगे बढ़ेगी. ऐसा क्यों होता, क्योंकि अगर ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, ये डिस्टेंस d थी और ये इसकी इमेज जो है वो बन गई यहाँ से इतनी पीछे d डिस्टेंस पे, ये आपको. अब ये अगर अगर x मूव करता है तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, कौन, मिरर, x मूव किया तो ये डिस्टेंस कितनी बची, d माइनस x. और मिरर की प्रॉपर्टी है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूर ये होनी चाहिए, तो ये है ना, तो ये आपकी डिस्टेंस जो है टोटल, अभी डिस्टेंस कितनी बची है, d प्लस एक्स डिस्टेंस हो गई, d प्लस एक्स हो गई, और होनी कितनी चाहिए, d माइनस एक्स होनी चाहिए. तो इसको जो है 2x चलना पड़ेगा, इसको कितना चलना पड़ेगा, 2x चलना पड़ेगा, तब जाके जो है ये d माइनस एक्स के बराबर आ जाएगा. मतलब इसको ये डिस्टेंस जो है जो कि अभी कितनी रह गई है, x प्लस, अभी ये डिस्टेंस कितनी रह गई है, x प्लस d रह गई है, अभी कितनी रह गई है, x प्लस d रह गई है, ठीक है. तो इसको अपनी स्पीड कितनी कम, इसको इधर कितना आना पड़ेगा, इसको ये डिस्टेंस कितनी कम करनी पड़ेगी, 2x कम करनी पड़ेगी. अगर यहाँ 2x कम कर दूंगा तो एक x एक कट जाएगा और d माइनस x बच जाएगी, जो कि इसके बराबर आएगी. तो ये अगर मिरर, अगर x चलेगा, v स्पीड चलेगा, तो इसको अपनी डिस्टेंस को 2x कम करना पड़ेगा ताकि वो इसके बराबर आ सके, इसलिए वो 2v स्पीड चलता है. तो ये स्पीड अगर v है तो इसकी 2v हो जाएगी, ठीक है. ये चीज सेम इसमें भी यही होता है, सेम इसमें भी यही होता है, वी से टू वी कैसे हुआ, तो वो सेम चीज़ यही होती है कि उसको अपना डिस्टेंस उतनी रखनी है जितनी कि ऑब्जेक्ट मिरर से, उतना ही वो इमेज भी होनी चाहिए. तो जितना इसको मूव कराओगे तो वो उससे डबल वो मूव होता है, ठीक है ना. फोर्थ पॉइंट बात करें, फोर्थ केस की, फोर्थ पॉइंट है अपना कि द फोकल लेंथ of plane mirror is infinity. तो infinity का symbol जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है ना. तो focal length जो है small f, focal length क्या होती है भाई, पोल से focal point के बीच की distance जो होती है वो जो है प्लेन मिरर के केस में इनफिनिट होती है. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी, तो इनफाइनिट होती है. इनफाइनिट मतलब फोकल लेंथ का मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि मिरर के केस में फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ लेते हैं. रेडियस मतलब क्या लेंगे, तो अब यहाँ पर रेडियस कहाँ से आ गई, तो जब ये रेडियस आपको तब समझ में आएगी जब अपन स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर में तो रेडियस से कोई अपन लेना तो समझ नहीं रहे, पर जब स्फेरिकल मिरर होगी तो स्फेरिकल मिरर में वो जो किसी स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक बड़े से स्फेयर का कोई छोटा सा पार्ट होता है, तो जिस स्फेयर का वो पार्ट है उसका जो सेंटर होता है वो उस स्फेयर के लिए भी, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर के लिए भी आपका उसका सेंटर होता है, और उसकी हाफ जो होती है अपन फोकल लेंथ मान के चलते हैं, ठीक है ना. पर ये प्लेन मिरर तो आपको जो फ्लैट दिखता है, तो अपन प्लेन मिरर में ये मान के चलते हैं कि प्लेन मिरर जो है वो आपका बहुत ही बड़ा, जिसकी रेडियस इन्फाइनाइट है, बहुत ही बड़े इन्फाइनाइट रेडियस वाले एक स्फीयर का पार्ट है, इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी अपन इन्फाइनाइट लेके चलते हैं, तो ये ध्यान रखना. और फिफ्थ पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ प्लेन मिरर विल बी जीरो. जीरो क्यों हो गई, कि पावर का फॉर्मूला होता है आपका 1/f. यहाँ पे f जो है मीटर में होना चाहिए, ठीक है. तो पावर आपकी रैप्टर में आ जाती है, तो पावर का फॉर्मूला ये होता है, ये आप पढ़ोगे, ठीक है. द पावर ऑफ द प्लेन मिरर विल बी, तो पावर इक्वल टू द 1/ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो है इसकी इन्फाइनाइट होती है, इसकी प्लेन मिरर की, तो यहाँ पे 1/ इन्फाइनाइट कर दूंगा, तो 1/ इन्फाइनाइट जो होती है वो आपका जीरो होता है. वन में अपन इन्फाइनाइट का डिवाइड कर रहे, तो 1/ इन्फाइनाइट इक्वल टू जीरो, इसलिए पावर जो है वो प्लेन मिरर की आपकी जीरो हो जाती है, क्योंकि फोकल लेंथ जो है इन्फाइनाइट होती है, ठीक है.
ये आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब ये आपका जो लिखा मैंने वही ये आपका स्टेटमेंट होता है ठीक है, और डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपका, तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, और ये तो आपकी इमेज की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और आज अपन ने मिरर प्लेन मिरर और प्लेन मिरर में कुछ खास खास बातें कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और उसका उसकी जो आपकी इमेज बनेगी उसको क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसकी बात की नेक्स्ट में जो अपन देखेंगे है ना, मल्टीपल इमेज वाला कंसेप्ट समझेंगे। थैंक यू सो मच।